गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव, और एक नई लोकेशन के साथ फिट इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। तो हम मौजूद हैं महानगरी मुंबई के शिवाजी पार्क में, क्योंकि हम चाहते हैं कि मुंबई के अलग अलग लोकेशन हम आपको दिखाए घर बैठे। अगर आप मुंबई में नहीं है, अगर आप मुंबई कर नहीं है, फिर भी आप देखें देश के अलग अलग हिस्सों से सुबह की शुरुआत कैसे लोग करते हैं। तो चलिए, देश और दुनिया की हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए हम दोनों एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। तो अगले एक नहीं बल्कि दो घंटे बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। की सबसे बड़ी खबर उत्तरकाशी से जुड़ी हुई, जहां पर उत्तरकाशी में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक पूरा होगा ये अभी भी साफ नहीं हो पाया, क्योंकि ड्रिलिंग के दौरान एक पाइप के मुड़ जाने की वजह से ड्रिलिंग का काम काफी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। और इतना ही नहीं, अमेरिकी ऑगर मशीन के ब्लेड भी क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके बाद मैनुअली ड्रिलिंग का काम शुरू करना पड़ा। लेकिन राहत की बात यह है कि जो डिस्टेंस है अब रेस्क्यू टीम और साथ ही जो फंसे हुए मजदूर है उनके बीच, वो सिर्फ 6 मीटर रह गई है। और ऐसे में आज ये हो सकता है कि फाइनली गुड न्यूज आ सकती है वहां से। 41 श्रमिकों को बचाने के लिए जारी है जद्दोजहद। रेस्क्यू ऑपरेशन के 14वें दिन आज बड़ी उम्मीदें। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से 41 लोग कब बाहर आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। रेस्क्यू में आ रही दिक्कतें बार बार सांसें अटका रही हैं। हर दिन लगता है कि आज रेस्क्यू पूरा हो जाएगा, लेकिन शाम तक हालात जस के तस दिखाई पड़ते हैं। हालांकि हर गुजरते दिन के साथ रेस्क्यू टीम और टनल में फंसे लोगों के बीच का फासला कम होता जा रहा है। उत्तरकाशी टनल में एक बार फिर ड्रिलिंग के काम पर असर पड़ा है। शुक्रवार की देर शाम तक ड्रिलिंग शुरू नहीं की जा सकी थी। पाइप का एक हिस्सा किसी बाधा से टकरा कर मुड़ गया था। दरअसल ड्रिलिंग के दौरान ऑगर मशीन के ब्लेड भी क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसके बाद में मरम्मत भी की गई। हालांकि उसके बाद भी ड्रिलिंग के काम को रोकना पड़ा। ये सिलक्यारा टनल का प्रवेश द्वार, अभी आप देखिए हलचल यहाँ पर उतनी ज्यादा आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। एक बार जूम करके भी दिखा दीजिए कि टनल के अंदर दरअसल क्या हलचल है। ऑगर मशीन अभी रुकी हुई है, और ये वजह ये है कि जानकारी ये मिली कि उसके जो ब्लेड्स था, अभिषेक इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे, वहां पर कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट आया जिसकी वजह से वो फंस गया। अब उसे मैनुअली निकाला जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन एक दो कदम आगे बढ़ता है तो कोई ना कोई बाधा आ खड़ी होती है। 17 अक्टूबर को पहली बाधा आई थी, तब मशीन की बेयरिंग खराब हो गई थी। तब से लेकर 24 नवंबर तक 5 बार बाधाएं आई हैं। मशीन के तेज कंपन की वजह से उसके प्लेटफॉर्म में दरार आ गई, तो कभी बीच में सरिया आने से काम को रोकना पड़ा है। फिलहाल देर रात तक ऑगर मशीन के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने की कोशिश होती रही। एक टीम पाइप में घुसकर गैस कटर से सरिया काटने का काम करती रही। फिलहाल अभी 6 मीटर की दूरी और बची है। 6 मीटर की ड्रिलिंग होते ही श्रमिकों को बाहर निकालने का काम शुरू हो जाएगा। इस बीच एनडीआरएफ ने भी इस बात की तैयारियां शुरू कर दी हैं कि सुरंग बनने के बाद मजदूरों को कैसे बाहर निकाला जाएगा। एनडीआरएफ ने इसके लिए मॉक ड्रिल की है और ये जानने की कोशिश की कि जब स्ट्रेचर के जरिए एक एक मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा तो उसमें किस तरह की परेशानी आ सकती है। और राजस्थान के रण में आज का दिन बेहद अहम है। जी हां, क्योंकि आज ही मतदान होना है। 199 विधानसभा सीटों के लिए वोटर्स बढ़ चढ़ कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जी हां, कुल 5 करोड़ वोटर्स आज 1862 उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला करने वाले हैं, जिसमें अशोक गहलोत समेत कई सांसद, कई मंत्री मौजूद हैं, और वोटिंग को देखते हुए सुरक्षा के भी जबरदस्त इंतजाम किए गए। सभा के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। बूथों के बाहर लोग कतारों में खड़े हैं और वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। राज्य की 200 में से 199 सीटों पर मतदान हो रहा है, जहां 5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल कर नई सरकार का चुनाव करेंगे। वोटिंग को देखते हुए पूरे राज्य में सुरक्षा के भी जोरदार इंतजाम किए गए हैं। शाम 6 बजे तक चलने वाली इस वोटिंग में 3.25 लाख से ज्यादा कर्मचारी लगाए गए हैं। राजस्थान में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ कांग्रेस वह मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी में माना जा रहा है। इस चुनाव में सीएम अशोक गहलोत समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला वोटर्स करेंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी भाग्य आजमा रहे हैं।
वहीं बीजेपी के प्रमुख उम्मीदवारों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया और सांसद दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़, बाबा बालकनाथ व किरोड़ी लाल मीणा मैदान में हैं। दिग्गजों के मैदान में उतरने से इस बार विधानसभा चुनाव और दिलचस्प हो गया है। और चलिए इस वक्त सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, जहां पर अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं। रंजीता झा हमारे साथ जुड़ चुकी है और साथ ही भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भंवर पुष्पेंद्र, आपके पास आते हुए जरा बताएं, क्योंकि 7 बजे का वक्त बताया जा रहा था जब से वोटिंग शुरू होनी थी, कितनी भीड़ आप देख पा रहे हैं पोलिंग बूथ के बाहर? देखिए, जब वोटिंग शुरू होनी थी वो समय था 7 बजे का, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि करीबन 6 बजे से लोग कतारों में थे और ये लंबी कतारें आप देखेंगे इस बूथ को, चाहे आप देख लें, चाहे इस बूथ के दूसरे वाले कोने को आप देख लें और आप बाहर का माहौल देखें, आप देखिए लोगों का आना लगातार जारी। और सबसे बड़ी बात ये कि सीनियर सिटीजन जो हैं वो सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे थे, कुछ बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे थे जिनकी उम्र लगभग 70 से प्लस है। उनका ये कहना था कि ये लोकतंत्र का पर्व है और उस पर्व के लिए हम यहाँ पर आए हैं। देखिए अभी भी लंबी कतारें आप यहाँ देख सकते हैं, पोलिंग बूथ की ये कतारें आपको यहाँ नजर आएंगी जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी देर पहले भी मैंने यहाँ जब लोगों से बातचीत की थी तो उनका उत्साह जो था वो देखने लायक था। ये देखिए यहाँ कतारें लगी हुई हैं, यहाँ कुछ लोगों से मैं बात करने की कोशिश कर सकता हूँ। आप देखिए सर, आप यहाँ पहुंचे हैं, आज लोकतंत्र का पर्व है, बड़ा पर्व है, कैसा लग रहा है? सुबह सुबह आप जल्दी जल्दी यहाँ पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, शादी विवाह के चक्कर में जो है और भी कई काम है, इसलिए हमने सोचा सबसे पहले ये काम करें, पहले मतदान फिर सब काम, पहले मतदान फिर सब काम। देखिए एक महिला भी हमारे साथ है, आप बताइए कि आप सुबह सुबह आ गए हैं, जल्दी पहुंचे हैं, तो पहले मतदान करना ठान क्या है? पहले मतदान करना ठान क्या है, कहीं बाहर जाना था और हम चाहते हैं कि देश का विकास हो, बेरोजगारी दूर हो, महिलाओं की सुरक्षा हो और अच्छा निर्माण हो, पानी बिजली की व्यवस्था हो। देखिए मतदाता बड़ा समझदार है, नाम किसी का नहीं बताएंगे, लेकिन पानी बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए और देश का निर्माण अच्छा हो। देखिए यूथ हमारे साथ, इनसे बात करते हैं, आप बताइए, सुबह आप भी पहुंच गए हैं, बुजुर्गों की तो लाइन में बहुत लंबी देख रहे हो। नहीं, जिम्मेदारी सब युवा की है, युवा के हाथ में ही है जो है, और मैं चाहती हूँ सब देशवासियों से कि जनहित में ही वोट करें, कमल को, मोदी जी को ही वोट करें, क्योंकि राजस्थान बहुत पीछे है और राजस्थान को बढ़ाने के लिए बीजेपी की ही जरूरत है। रिवाज है राजस्थान में हर 5 साल में बदलने का, टूटेगा? बिल्कुल टूटना चाहिए, आज महापर्व का लोकतंत्र के दिन है और राजस्थान की जनता बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही है जैसा कि आप दिखा रहे हैं। और चलिए रंजीता का भी रुख कर लेते हैं। रंजीता, आपके पास आने से पहले दर्शकों को यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके राजस्थान की जनता से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। रंजीता, जिस बूथ पर आप मौजूद है वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदाताओं को आसानी हो, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि ऐसे इंतजाम किए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता बाहर निकले, क्या लोगों की लंबी कतार दिखनी शुरू हो गई है? और जरा बात भी करें कि किन मुद्दों को जहन में रखकर के वो वोटिंग करने आए हैं आज? बिल्कुल, देखिए मैं जयपुर के सिविल लाइन्स, जो हाई प्रोफाइल सीट कही जा रही है, मंत्री यहाँ से खड़े हैं जो कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास है उनका ये क्षेत्र है। कुछ देर में सचिन पायलट यहाँ वोट करने आएंगे और यही वजह है कि यहाँ सबकी निगाहें टिकी हुई है। हालांकि सचिन टोंक से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन उनका वोटिंग यहाँ है, वोट करके वो अपने क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ भी कहीं ना कहीं पूरी नजर रहेगी कि क्या रहता है वोट, राज रहेगा या रिवाज बदलेगा, ये लगातार सवाल उठ रहे थे और कहीं ना कहीं ऐसी ही तस्वीर दिख रही है। ये आदर्श बूथ है, एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं, व्यवस्था पूरी की गई है क्योंकि सुबह का वक्त है और इस वक्त ज्यादा जो बुजुर्ग है जो जॉगिंग के लिए बाहर निकले हैं वो सब वोट के लिए यहाँ खड़े हैं, कई लोग यहाँ खड़े हैं उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले वोटिंग करने पहुंचे हैं सुबह सुबह 7 बजे का वक्त और 7:30 बजे आप लोग लाइन में खड़े हैं। 9 बजे अभी, हाँ बोलिए, क्या कितना एक्साइटमेंट है, क्या सोच रहे हैं वोट डालने? कोई एक्साइटमेंट नहीं है, मैंने कम से कम 20 इलेक्शन में वोट डाल चुका, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, सिर्फ वोट डालना है, अपनी ड्यूटी निभानी है। बिल्कुल, कुछ सोच भी रहे हैं कि कैसी सरकार बने, कैसा रहे? सरकार अच्छी चल रही है और अच्छी चलेगी, कोई भी पार्टी आओ। अच्छा, आप बताइए। मेरे साथ तो कोई अच्छा नहीं चल रहा, मुझे तो घर से बाहर निकालने की करी है खूब, और कोई ना थाना सुना ना कोई एमएलए सुना, कोई नहीं सुना मेरी बिल्कुल भी। तो ये पब्लिक के लिए देखना होगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता और भंवर पुष्पेंद्र आप दोनों का इस जानकारी के लिए। तो एक तरफ राजस्थान में वोटिंग हो रही है तो दूसरी तरफ तेलंगाना की बात करें तो वहां पर चुनाव के लिए लगातार प्रचार हो रहे जोरों शोरों से।
आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर धुआंधार प्रचार करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी गरजेंगे। और इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है। तेलंगाना में भी चुनाव प्रचार आखिरी चरण में है। यहां आज एक बार फिर दिग्गज नेताओं की बड़ी रैली है, जिनमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। पीएम मोदी की आज दो अहम रैलियां हैं। दोपहर 1 बजे पीएम मोदी कामारेड्डी विधानसभा इलाके में रैली करेंगे, जबकि इसके 2 घंटे बाद दोपहर 3 बजे पीएम मोदी महेश्वरम विधानसभा क्षेत्र में रैली करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की भी बैक टू बैक कई रैलियां हैं। अमित शाह कोल्हापुर, मुनगोडे, पाटनचेरू विधानसभा क्षेत्र समेत कैराथाबाद में रैली करेंगे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तेलंगाना में 4 रैलियां करेंगे। सिरपुर, वेमुलावाड़ा, सनतनगर, गोशामहल विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी की रैली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी आज 3 जनसभाएं हैं। निजामाबाद, आदिलाबाद और वेमुलवाड़ा में राहुल की रैली है। इस बीच AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर कांग्रेस बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली से आए RSS के लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। माजिद हुसैन की कामयाबी को रोकने के लिए दिल्ली से RSS के लोग आकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और वो ये तय कर लिए हैं कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार की खुली तायीद कर रहे RSS के लोग। बीजेपी का उम्मीदवार अपने घर में बैठ चुका है। मेरे भाई, जब दुश्मन मुत्तहिद हो रहा है तुम्हारा, तो क्या तुम इंतजार की कैफियत में रहोगे? बता दें कि तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होने हैं। इस चुनाव से पहले तेलंगाना में धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। और लगातार सियासी खबरें हम आपको बता रहे हैं। तो तेलंगाना में आज गृह मंत्री अमित शाह का भी जबरदस्त चुनावी प्रचार होना है और जाहिर तौर पर आज भी उनके निशाने पर सीएम चंद्रशेखर राव होंगे। जी, और जब टाइम्स ऑन भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत गृह मंत्री अमित शाह ने की, तो उन्होंने कह दिया कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो अल्पसंख्यकों के 4% रिजर्वेशन को वो खत्म कर देंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी धुआंधार रैली जारी है। इस चुनाव प्रचार में अल्पसंख्यकों को 4% रिजर्वेशन का मुद्दा भी छाया हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने टाइम्स नाउ नव भारत से एक्सक्लूसिव बात करते हुए साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो 4% रिजर्वेशन को खत्म करेंगे। सरकार का जाना निश्चित है और भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ यहाँ जीतेगी। सर, माइनॉरिटीज के लिए KCR जी IT पार्क अनाउंस किया और माइनॉरिटीज को OVC जी भी माइनॉरिटीज को बहुत सारे स्कीम्स माइनॉरिटीज के लिए लेके आ रहे हैं, कांग्रेस भी लेके आ रहे हैं। देखिए, इन्होंने 4% रिजर्वेशन माइनॉरिटी के लिए किया है। हमने तय किया है कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो 4% रिजर्वेशन उनका समाप्त करेंगे और ST SC OBC को देंगे। टाइम्स नाउ नव भारत से बात करते हुए अमित शाह ने दावा किया है कि जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है और अब KCR सरकार के बदलाव का वक्त है। मैं जहाँ जहाँ गया तेलंगाना में, भयंकर रोष इनके करप्शन, परिवारवाद और तुष्टिकरण के खिलाफ। KCR सरकार का जाना निश्चित है और भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ यहाँ जी। और कुछ और खबरें आपको बताएं, उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश में रहते हैं तो अगली खबर आपके लिए है, क्योंकि यूपी में आज नो नॉनवेज डे मनाया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा अश्वता ने, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ के लेटेस्ट फैसले के बाद ये फैसला लिया गया है कि यूपी में नो नॉनवेज डे होगा। इसके पीछे का कारण क्या है, आप भी जानना चाहते होंगे तो इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार का बड़ा फैसला, आज पूरे यूपी में मनाया जा रहा है नो नॉनवेज डे। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की बैन के बाद अब यूपी की योगी सरकार ने नो नॉनवेज डे मनाने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत आज पूरे यूपी में नो नॉनवेज डे मनाया जा रहा है। आज राज्य की सभी बूचर खाने और मांस की दुकानों को बंद रखने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने ऑर्डर जारी किया है। इस ऑर्डर के मुताबिक साधु TL वासवानी की जयंती पर सरकार ने नो नॉनवेज डे मनाने का फैसला किया है। योगी सरकार के इस फैसले पर साधु संतों ने खुशी जताई है और कहा है कि ये मानव जीवन के लिए अहम फैसला है।
बहुत अच्छा संदेश है कि महापुरुषों की जयंती पर या पुण्यतिथि पर स्लाइटर हाउस बंद रहेंगे, यानी हिंसा पर प्रतिबंध रहेगा। जो लोग भी जो है मांसाहारी लोग हैं उनको भी जो है तो उस दिन सब्र करना होगा, और ये कहीं ना कहीं से जो मांसाहारी लोग हैं उनको मांसाहारी से शाकाहारी बनाने का एक कदम भी होगा। बता दें कि योगी सरकार ने महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, गांधी जयंती, शिवरात्रि महापर्व की तरह साधु टीएल वासवानी के जन्मदिन यानी 25 नवंबर को भी मांस रहित दिवस घोषित कर दिया है। और राजस्थान चुनाव की एक बार फिर से बात कर लेते हैं, जहां पे बीते आधे घंटे से वोटिंग इस वक्त जारी है और युवाओं का जो जोश है वो काफी ज्यादा इस चुनाव में हाई नजर आ रहा है। और ये चुनाव अपने आप में इसलिए भी अहम है राजस्थान का, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत की कुर्सी दांव पर लगी। और चुनाव से मतदान से ठीक एक रात पहले माहौल काफी तनावपूर्ण देखने को मिला, क्योंकि कई समर्थक जो अलग अलग प्रत्याशियों के हैं आपस में भिड़ते हुए नजर आए। हनुमानगढ़ में बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार के प्रत्याशियों के बीच भी झड़प देखने को मिली। देखिए रिपोर्ट। वार्ड नंबर 57 में अभी अभी घटना हुई है, वहाँ बीजेपी वाले पैसे बांट रहे थे तो गाँव वालों ने, मोहल्ले वालों ने रोकने की कोशिश की। राजस्थान में वोटिंग से पहले चुनावी माहौल में गर्मी है, ऐसे में उम्मीदवारों के समर्थकों का भी जोश हाई है, लिहाजा सियासी टकराव लाजमी है। हनुमानगढ़ में वोटर्स को लालच देने को लेकर बवाल हो गया। सुरेशिया में बीजेपी और निर्दलीय कैंडिडेट के कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। निर्दलीय कैंडिडेट के समर्थकों ने बीजेपी पर मारपीट का आरोप लगाया। आरोप है कि महिला से भी मारपीट की गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं इससे पहले बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थकों में आटा और पैसे बांटने को लेकर विवाद हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय कैंडिडेट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद प्रशासन ने स्थानीय फ्लोर मिल को सीज कर दिया। चुनाव के नतीजों से पहले आपके भले ही हमास और इजराइल के बीच चल रही है, लेकिन इसका जो असर है वो भारत में भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा के बाहर एक प्रदर्शनकारी इजराइल के खिलाफ एक पोस्टर लेकर खड़ा हो गया। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने किसी तरह इस प्रदर्शनकारी को काबू में किया। देखिए रिपोर्ट में। गौर से देख लीजिए इस तस्वीर को। हाथों में पोस्टर लिए एक शख्स लखनऊ विधानसभा के बाहर खड़ा है। अचानक से पुलिस आती है, एक तरफ पोस्टर को अपने कब्जे में लेती है और दूसरी तरफ इस शख्स को भी हिरासत में लेती है। लखनऊ की सड़क पर शुक्रवार को खूब हंगामा हुआ। एक युवक ने हाथ में पोस्टर लेकर फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इसराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि युवक लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र है। वो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे युद्ध को लेकर विधानसभा के सामने अपना विरोध जताने आया था। इस दौरान युवक ने इसराइल के विरोध में जमकर नारेबाजी की और फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए विरोध जताया। इस युद्ध को बंद करें, इसलिए कि न जाने कितने बेगुनाह मारे जा रहे हैं, माओं की गोदियां उजड़ रही हैं, बहनों की सुहाग उजड़ रहे हैं, माओं की गोदियां आबाद, कितने खानदान बर्बाद हो गए। लोग अपने सामने अपने बच्चों को तड़पता देखते हुए और इतने बेबस हैं कि वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तो बस इसी के खिलाफ के युद्ध को बंद किया जाए।